नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल एन यूनिवर्स 22 में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे रेड टेल्स और बकल्स नामक कास्टिंग डिफेक्ट के बारे में। ये कास्टिंग डिफेक्ट मोल्डिंग मटेरियल डिफेक्ट के अंतर्गत आते हैं। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, रेड टेल मतलब कि एक ऐसा डिफेक्ट जो चूहे की पूंछ की तरह कास्टिंग के सरफेस पर आता है, उसे हम रेड टेल कहते हैं। जो रेड टेल और बकल्स नामक कास्टिंग डिफेक्ट हैं, ये कास्टिंग सरफेस पर तभी आते हैं जब हमारा जो मोल्टन मेटल होता है, जो मोल्ड कैविटी में हम डालते हैं, उसका जो पोरिंग टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण एक्सेसिव हीट होती है। तो उससे क्या होगा कि जो सैंड है वो एक्सपेंड कर जाता है, मतलब कि मोल्ड कैविटी की जो स्किन होती है उसका जब कंप्रेशन फेलियर होता है हमारा जो मोल्टन मेटल है उसकी एक्सेसिव हीट के कारण, जिसके कारण जो सैंड होता है वो जो एक्सपेंड करेगा और जिससे मोल्ड की जो वॉल है वो बैकवर्ड वो मूव कर जाती हैं और जो कास्टिंग सरफेस होता है उस पर कुछ स्मॉल लाइंस बन जाती हैं। एक प्रकार से ये इररेगुलर लाइन होती हैं कास्टिंग के सरफेस पर। अगर आप इस डायग्राम को देखते हैं तो ये लाइनें आपको बिल्कुल क्लियरली नजर आ रही हैं। तो ये जो लाइंस हैं ये रेड टेल्स नामक कास्टिंग डिफेक्ट हमारा कहलाता है। जैसे अगर आप इस कास्टिंग सरफेस को देखें तो अलग से एक ये इररेगुलर लाइन बाहर आ गई है चूहे की पूंछ की तरह, तो ये रेड टेल नामक कास्टिंग डिफेक्ट होता है। ये एक प्रकार से क्रैक्स भी हो सकती हैं या फिर कोई इररेगुलर लाइन है जो कास्टिंग सरफेस पर आ सकती हैं। और जो रेड टेल्स होता है ये हमारा जो मोल्ड बॉटम का जो सरफेस होता है वहां पर ज्यादातर आता है। और जब रेड टेल नामक कास्टिंग डिफेक्ट बहुत ही ज्यादा स्वियर हो जाता है, उसका बहुत ज्यादा स्वियर फेलियर हो जाता है, तो उस डिफेक्ट को हम कहते हैं बकल्स। तो एक प्रकार से जो बकल्स होते हैं वो लॉन्ग होते हैं, सैलो होते हैं और वी डिप्रेशन आ जाती है हमारी फ्लैट कास्टिंग पे। अगर आप इस डायग्राम को देखें तो ये हमारा जो बकल्स डिफेक्ट कहलाता है, मतलब कि जब ज़्यादा रेड टेल्स हो जाते हैं तो वो बकल्स में तब्दील हो जाते हैं। तो आज हम इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे कि वो कौन कौन से कारण हैं जिसके कारण ये डिफेक्ट कास्टिंग में आते हैं और कैसे इनको हम दुरुस्त कर सकते हैं। सबसे मेन कारण अगर हम बात करें वो होता है कि जो मोल्डिंग सैंड हम यूज़ करते हैं, अगर उसकी जो एक्सपेंशन प्रॉपर्टीज़ है वो पुअर हैं तब ये डिफेक्ट आ सकता है। दूसरा, मोल्डिंग सैंड की हॉट स्ट्रेंथ कम होने के कारण ये डिफेक्ट कास्टिंग में आ सकता है, या फिर जब हम पोरिंग करते हैं मोल्टन मेटल को, उसका पोरिंग टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है जिसके कारण एक्सेसिव हीट होती है और सैंड एक्सपेंड कर जाता है और जिससे मोल्ड कैविटी की वॉल्स हैं वो बैकवर्ड मूव करती हैं, तो तब भी ये डिफेक्ट आ सकता है। या फिर पुअर मोल्ड डिज़ाइन हम यूज़ करें, उससे क्या होगा कि जो मोल्ड है उसकी जो हार्डनेस है वो बहुत ज़्यादा होती है और मेनली जो लार्ज और फ्लैट सेक्शन होते हैं उसमें रेड टेल्स आने की ज़्यादा संभावना रहती है। और इस डिफेक्ट को कैसे दुरुस्त कर सकते हैं, अगर हम कुछ कंबस्टिबल एडिटिव्स को सैंड में ऐड कर दें तो इस डिफेक्ट को दूर किया जा सकता है। या फिर जो फेसिंग सैंड हम यूज़ करते हैं उसके इंग्रेडिएंट्स का अच्छी तरह से चुनाव किया जाए तब भी इसको ठीक कर सकते हैं। मोल्टन मेटल के पोरिंग टेम्परेचर को अगर हम कम रखें तब भी इस डिफेक्ट से निजात पाई जा सकती है, या फिर मोल्ड की हार्डनेस को कम करके भी हम इस डिफेक्ट को कम कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज हमने इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया रेड टेल्स और बकल्स नामक कास्टिंग डिफेक्ट के बारे में, जो मोल्डिंग मटेरियल डिफेक्ट के अंतर्गत आता है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा, आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, और एन यूनिवर्स 22 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी हाजिर होते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।